हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ लंच बुफे में। तो जैसा कि अभी 1 बजने वाला है, तो अभी जस्ट हम निकल रहे हैं। आज का जो बुफे है कुछ अलग होने वाला है उसमें। अच्छा, नॉन वेज है, वेज है, सब दोनों मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। क्या क्या मिलेगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ, अभी जस्ट रेडी हुआ और अभी घर के बाहर निकलने वाला हूँ। मैंने सोचा पहले इंट्रो ले लेते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जस्ट निकल रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या मिलेगा सब आपको बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, आज बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जाने वाला हूँ, ऐसी जगह आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत ही सस्ते प्राइस में एकदम अनलिमिटेड बुफे मिलने वाला है। तो मैं वहीं आपको लेकर आ गया हूँ। और मेरा हमेशा एक कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छी जगह लेकर जाऊँ, जैसा कि सस्ते में आपको अच्छा खाना खिलाऊँ। तो ऐसा ही मैं आज आपको करवाने वाला हूँ कि बहुत जो मैंने बताया था कि 399 में आपको बूफे मिलने वाला है, वो भी नॉन वेज, और वहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा मैं सब आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अच्छा खाना जो सिर्फ पेट को ही नहीं दिल को भी खुश करता है, जैसा कि कहावत में आता है। तो दोस्तों, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और सस्ते में खिलाओ, जो कि एकदम बजट में हो। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे को बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी आती है कि सर सस्ते में कोई अच्छा बूफे बताइए, तो दोस्तों आज यही बूफे होने वाला है कि जैसा कि मैं आज आपको 399 में अनलिमिटेड बूफे नॉनवेज का वो भी सब खिलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ यार्ड 64 में। तो दोस्तों, बात करें अगर एम्बियंस की, तो दोस्तों 5-स्टार वाला एम्बियंस यहाँ पर मिलेगा आपको। आप जैसा कि खुद देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल टेबल्स हैं यहाँ पे, बैठने के लिए बहुत आरामदायक सीटें यहाँ आपको दी गई है। तो आपको आते ही यहाँ पे मिल जाता है वेलकम ड्रिंक, जो कि पुदीना, नींबू और ये किस तरह काफ़ी चीज़ों से मॉकटेल बनाया गया है, जिसका जो टेस्ट था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। पी के जो एकदम भाई इंसान, जैसे अभी हम गर्मी में से आए थे, एकदम फुल चुस्ती आ गई, मज़ा आ गया। उसके बाद मिल जाता है आपको ये चिकन मंचाओ सूप, जिसका टेस्ट जो है अभी मैं खा के आपको बता देता हूँ। इसमें हरी प्याज, कोथमीर एंड बहुत सारी वेजिटेबल्स में डाला गया है, और इसका जो टेस्ट है मैं अभी आपको खा के बता देता हूँ। देखने में इतना खूबसूरत दिख रहा है तो खाने में भी और मज़ा आ जाएगा। ये भाई स्टार्टर भी अपना शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सूप का जो स्वाद है भाई, बहुत ही ज़्यादा जायका, एकदम एक नंबर है। आपको ये सूप के बाद मिल जाएगा चिकन टिक्का, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब ग्रिल करके एकदम स्मोक टाइप दिख रहा है भाई। और ये भी मैं आपको अभी ट्राई करके बताने वाला हूँ। ये तो सूप हो गया, और ये सलाद आ जाती है अपने पास, ग्रीन सलाद एंड ये चिकन टिक्का। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी मुँह में पानी आ रहा है भाई देखते ही, अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा, अभी मैं खा के आपको इसको बता देता हूँ। ओहो हो हो भाई, इसके ऊपर भी इन्होंने ऊपर से कोथमीर डाला है, और इसका जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ अलग है यहाँ पे। चिकन टिक्का मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाया है, बट इसका जो थोड़ा सा जो मेरे को स्वाद थोड़ा अलग लगा, और उसको ऊपर से इन्होंने प्लस कोथमीर भी डाला है ना, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस ये ग्रीन सलाद है ना, ये भी इसके अंदर मसाला मिला के इन्होंने दिया था, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और अगर आप चिकन टिक्का खाते खाते ये मोटेल का जो है ये सिक्की मानेंगे, तो भाई बहुत ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सेकंड स्टार्टर आ गया है। सेकंड स्टार्टर है रेशमी चिकन, और इसके ऊपर वाइट तिल भी डाले गए हैं, और ये देखने में भी बहुत ही लजीज लग रहा है भाई। मैं खा के बता दे तो गरम आया, तो स्टार्टर खाने का मज़ा जो गरम में। तो दोस्तों, ये आपको 399 में इतना सब मिलने वाला है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पैसा वसूल करना चाहते हैं तो ज़्यादा ढाबा स्टार्टर पे ही बोलना है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
ये रेशमी चिकन जो है आपको ग्रीन चटनी से नहीं खाना है, मैंने लगा लिया था धोखे से जो अलग ही लगा, क्योंकि इसका जो स्वाद है थोड़ा सा हल्का मीठा और हल्का सा आई मीन तीखा इस तरह से है, और जो बिना चटनी के ही खाने में इसको मज़ा आएगा। इसके ऊपर से भी इन्होंने धनिया डाला गया है, हल्का सा धनिया डाला है, हल्का सा मसाला में मिक्स करके, ओए होए तो दोस्तों बात करें अभी स्टार्टर की, तो दोस्तों ये जो है इनका जो आई मीन सूप मिल जाता है स्टार्टर में आपको, चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, रेशमी चिकन, ये सब आपको मिल जाएगा, ग्रीन सलाद मिल जाएगा, और अभी मेन कोर्स में क्या क्या आने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और डेजर्ट में क्या मिल जाएगा वो भी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रिपीट चिकन टिक्का मंगाया, क्योंकि मेरे को चिकन टिक्का यहाँ का मैंने बोला थोड़ा मसाला अलग डाला था इन्होंने, काफ़ी लजीज लग रहा था खाने में, मज़ा आ गया, तो मैंने उनको रिपीट किया। तो दोस्तों आप आपको जितना बार मंगाना उतनी बार आप मंगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और ये आपको जितनी बार स्टार्टर रिपीट करना है वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने रिपीट मंगाया, मेरे को मज़ा आ गया खा के। इसके बाद अभी मेन कोर्स में क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते आ गया है अपना चिकन मखनी, हाय हाय, चिकन मखनी में आपके पास ऑप्शन होता है आपको क्या क्या मंगाना है। तो जैसा कि मैंने अभी चिकन मखनी मंगाया हो, इसके साथ आएगा आपका बटर नान, बटर नान भी भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और काफ़ी एकदम पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा है, जो खाने के बाद जो एकदम मज़ा आ रहा, लच्छा पराठा की तरह इसका टेस्ट आ रहा था, और चिकन मखनी खाने के बाद जो है चिकन मखनी थोड़ा जैसा आई मीन मैंने मीरा रोड के अंदर शाही पकवान का बटर चिकन खाया उस तरह से पूरा टेस्ट आ रहा था यहाँ पे। अगर आप ये चिकन मखनी यहाँ पे आ रहे तो चिकन मखनी ज़रूर खाना, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आ गए हमारा चाइनीज़ आइटम, इसमें मिल जाता है आपको चिकन चिल्ली और ये चिकन फ्राइड राइस, जिसमें चिकन चिल्ली दिया गया है, इसमें कैप्सिकम मेरे को दिख रहा है, कोथमीर, हल्का सा कोथमीर डाला गया है, और काफ़ी ये और चिकन है उसके ऊपर, और ये आप बाजू में देख सकते हैं भाई फ्राइड राइस, जिसमें चिकन, एग्स एंड मोर वेजिटेबल्स हरी प्याज से डाल के जो इन्होंने बनाया गया, मतलब प्रॉपर तरीके से फ्राइड राइस बनाई गई जैसे एक एकदम ज़बरदस्त होटल्स में रहती है। तो दोस्तों मैं दोनों अभी ले रहा हूँ, ये मैंने चिकन चिल्ली ले लिया, और ये अभी मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बात करें इसके भी टेस्ट की, भाई इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था भाई, ऐसा लग नहीं रहा था कि बूफे में जैसा खाना दिया जाता है वैसा है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा कि मैंने और जैसे दिल्ली जायका में हमने खाया था उस तरह का टेस्ट यहाँ पर मिल रहा था, काफ़ी अच्छा लगा हमें फ्राइड राइस खाने के बाद भी, और ये चिकन चिल्ली जो था वो भी मज़ा आया खाने के बाद। आप देख सकते हैं मेरा अभी पेट फुल भर गया है भाई, अभी नंबर जो है डेजर्ट आने वाला है, इससे पहले जैसा कि मैंने अभी वादा किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको वीडियो के बीच में एड्रेस बताने वाला हूँ, तो उस देरी नहीं करते हुए मैं आपको एड्रेस बताता हूँ आना कैसे है। तो दोस्तों आइए समझते हैं यहाँ पे आना कैसे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये गंगा निवास न्यू लिंक रोड है मलाड वेस्ट में, और इसके अपोजिट में जस्ट टोयोटा शोरूम है, और इसका जो एड्रेस है वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप आराम से आ सकते हैं गूगल मैप करके, तो आपको एकदम कहीं भी आई मीन टोयोटा शोरूम है यहाँ पे बड़ा, और उसके अपोजिट में यार्ड 64 है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप आराम से आ जाएंगे दोस्तों। तो अभी खाने का जो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंड में डेजर्ट के तौर पे आपको मिलता है यहाँ पे ब्राउनी, जो कि ऊपर से भी चॉकलेट डाल के दिया जाता है, और इसका टेस्ट जो था भाई बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे आपको डेजर्ट में सिर्फ ब्राउनी मिलेगा, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर हमारी यहाँ तक देख रहे हो अच्छी लगी है, तो दोस्तों इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे हौसले को अफजाई करते रहें, हमेशा हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक अच्छे व्लॉग्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।